ये इस वक्त मैं जो है ना ड्रीम गार्डन फेस टू में खड़ा हूँ। तो ये मैं यही जो रोड है सीधा जो आगे जाता है ये बैरिया गोल्फ व्यू रेजिडेंसिया को जाता है। इसके दरमियान में कुछ जगह जो है ना खाली पड़ी है अभी, वहाँ प्लॉट्स वगैरह कटिंग फेस थ्री आना है ड्रीम गार्डन का। इसकी बैक पे जाके वो जो है ना बैरिया गोल्फ व्यू रेजिडेंसिया है, इसके मैंने प्लॉट जो है ना वो प्लॉट जो है वो राइट नाउ पहली ट्रांसफ़र होगी तो आप फर्स्ट लॉट ही होंगे जो भी बंदा उसको बाई करेगा। उसमें जो है ना ट्रांसफ़र के पैसे नहीं है, यूटिलिटी और जो है ना पोजेशन के पैसे आपको पे करना होंगे। वो जो प्लॉट की डील है उसके अलावा पैसे हैं वो 4,50,000 से लेके 4,80,000 रुपये के राउंड अबाउट 10 पर लेके बनते हैं। ये बिल्कुल सामने जो जहाँ आपको इलेक्ट्रिसिटी पोल नज़र आ रहे हैं आगे जाके वो एरिया बनता है वो, ठीक है, क्योंकि ड्रीम गार्डन में तो अंडरग्राउंड है इलेक्ट्रिसिटी, तो वो उससे पीछे जाके एक एरिया है। ये थोड़ी सी जगह दरमियान में खाली पड़ी है, ये आप देख सकते हैं उधर से ही रिक्शा वगैरह ये आ रहा है ना बैरिया गोल्फ व्यू रेजिडेंसिया से। तो ये बैरिया में जो इन्वेंट्री आपसे शेयर की थी वो ड्रीम गार्डन के बैक पे है। तो बेसिकली मकसद यही था कि यहाँ जो है रेट्स कुछ हाई हैं तो वहाँ अभी कुछ रेट्स 10 मरला के कम थे, तो इसलिए वो आपसे इन्वेंट्री शेयर की थी। सामने